الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله صدق الله العظيم جناب صدر محترم ہمارے نہایت قابل احترام حضرت مولانا سعید یوسف خان صاحب جناب پیر مظہر شاہ صاحب اسٹیج پر موجود میرے اکابرین اس اجتماع میں شریک کشمیر کے غازیوں مجاہدوں اور آزادی کے لیے اپنی جان سے کھیلنے والے سرفروشوں آپ حضرات نے اپنی سرزمین پر اور اس خطے جنت نظیر پر ہمیں جس خلوص اور محبت کے ساتھ خوش آمدید کہا ہے ہر جگہ پر آپ نے جس طرح ہمارا استقبال کیا ہے میں دل کی گہرائیوں سے آپ کی اس محبت آپ کے خلوص اور آپ کے ولولے اور جذبے کی قدر کرتا ہوں اللہ تعالی آپ کی اس محبت اور اس خلوص کو قبول فرمائے اور اسے ہم سب کی مغفرت اور اللہ اپنی رضا کا سبب اور ذریعہ بنائے میرے محترم دوستو آزادی ایک بہت بڑی نعمت اور اسی لیے دین اسلام نے آزادی کو انسان کا پیدائشی حق قرار دیا ہے لیکن آزادی کا مفہوم کیا ہے ہر قوم چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم آزادی کی بات کرتا ہے آزادی کا حق مانگتا ہے آزادی کے لیے میدان میں نکلتا ہے اور قربانیاں دیتا ہے مجھے دوسرے لوگوں سے غرض نہیں لیکن بحیثیت مسلمان کے ہماری نظر میں آزادی کس چیز کا ایک دوست نے مجھ سے پوچھا اور بڑی بے تکلفی سے پوچھا کہ آپ جو مولوی صاحبان ہیں
सुबह शाम हमें एक ही दर्स देता है कि अल्लाह की बंदगी करो। आप तो सिर्फ बंदगी का दर्स देते हैं, लेकिन जब सड़क पर निकलते हैं तो फिर आजादी का नारा लगाते हैं। बंदगी और आजादी के तसव्वुर में तो तजाद है, तो ये क्या मसला है? तो मैंने उसको कहा कि आजादी के मफहूम को समझने के लिए जरा आप अपने खानदानी माहौल में आ जाइए। हमारे घर के अंदर और हमारे खानदान में हमारा बाप एक होता है, और वो औलाद जो अपने बाप की फरमाबरदार हो, अपने बाप की इताअत करता नजर आता हो, अगर उसके बाप की जमीन है और वो अपने बाप की जमीन में मेहनत करता हो, अगर उसके बाप का कारखाना है और उसमें वो मजदूरी कर रहा है, अगर उसके बाप की दुकान है और बेटा अपने बाप की दुकान पर बैठता है, तो हमारी सोसाइटी में और हमारे माहौल में बाप की जमीन पर काम करने वाले को मुजेरा नहीं कहा जाता। माशाल्लाह। बाप के कारखाने में मेहनत करने वाले को मजदूर नहीं कहा जाता। बाप के हवेली में और उसके हुजरे में बैठने वाले को घर का चौकीदार नहीं कहा जाता। बाप की जेब से खर्च करने वाले को बाप का नौकर नहीं कहा जाता, उसका मुलाजिम नहीं कहा जाता, उसे खानदानी कहा जाता है, उसे मोहतरम समझा जाता है मुआशरे में, उसे अपनी जायदाद का मालिक तसव्वुर किया जाता है और उसे मुआशरा एक आजाद मनुष्य इंसान के तौर पर देखता है। जिस तरह घर में बाप एक है, इस तरह कायनात का खालिक एक है। अब जो कौम अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह के दीन पर ईमान लाए, अल्लाह की और सिर्फ अल्लाह की इबादत करती हुई नजर आए, तो उसे भी गुलाम नहीं कहा जाता। एक अल्लाह की बंदगी करने वाला और उसी को इबादत और इताअत का मुस्तहिक समझने वाला, अगर दुनिया में कोई ऐसी कौम रहती है, यही उसकी आजादी की अलामत है। और जिस तरह हम घर में बार दफा मजबूर होकर माशी तंगी की वजह से किसी की जमीन पे जाके मजदूरी करते हैं, किसी की दुकान पे जाकर बैठते हैं, किसी के कारखाने में मजदूरी करते हैं, तो हमें मुजेरा भी कहा जाता है, हमें मजदूर भी कहा जाता है और हमें नौकर भी कहा जाता है। इस तरह अपने रब को छोड़कर दूसरी कौमों की इताअत करना और उनके सामने सर झुकाना, ये भी गुलामी की अलामत हुआ करते। हम तो इस माने से आजादी को लेते हैं कि अल्लाह की दीन की पैरवी। अगर मेरे मुल्क में अल्लाह का दीन नहीं है और मेरी मुमलकती जिंदगी, हकूमती जिंदगी, कौमी जिंदगी, मिली जिंदगी वो अल्लाह के कानून के ताबे नहीं है, तो हर चंद के मैं मुसलमान हूं लेकिन मैं अपने आप को एक आजाद शहरी नहीं कह सकता।
बुनियादी बात इसी को समझ। हमने पाकिस्तान हासिल किया, और हम समझते हैं कि हम आजाद हैं। हमने अंग्रेज से आजादी हासिल की, हमने हिंदू से आजादी हासिल की, तीन असबाब उसके बयान किए जाते हैं। कुछ लोगों का नजरिया ये कि हमने अपना वतन हासिल किया इस्लाम के लिए, कुछ लोगों की राय ये है कि हमने वतन हासिल किया माशी आजादी के लिए, और कुछ लोगों की राय ये है कि हमने वतन हासिल किया जमहूरियत के लिए। हमने अपने फैसले खुद करने, हमने किसी की बारादस्ती को नहीं मानी। आज हमारे 72 साल बीत चुके, तो क्या वजह है कि इस्लाम की बात करने वाले और इस्लाम को आजादी का मकसद समझने वाले वो भी कहते हैं कि अब तक इस्लाम क्यों नहीं आया, और आजादी के बावजूद हमारे पास इस्लाम क्यों नहीं? जो लोग समझते हैं कि हमने माशी आजादी के लिए वतन हासिल किया, वो भी आज कहते हैं कि तो पाकिस्तान में माशी आजादी तो नहीं है, माशी खुशहाली भी नहीं है। आज आप देख रहे हैं हमारे मुल्क की मईशत का क्या हाल है। हमारे मुल्क की मजमूई पैदावार सालाना तरक्की सिफर से नीचे आ गई, सिफर से नीचे। तो वो भी परेशान है कि जिस नजरिए से हमने वतन हासिल किया था वो तो नहीं है, और वो हिंदुस्तान जिसके जबर से हम आजाद होना चाहते थे आज उनकी मईशत आसमान से बातें करती है, और हमारी मईशत में क्या है। जिन लोगों का नजरिया यह है कि हमने जमहूरियत के लिए मुल्क हासिल किया, 70 साल हमारे गुजरे हैं, तो अक्सर साल हमारे, अक्सर मुद्दत, अक्सर उम्र हमारी मार्शल लॉ में गुजरी है। और हमारे यहां आज भी अगर हुकूमत है तो आज भी मार्शल लॉ का चरबा है, जमहूरियत नहीं है। धांधली और चोरी किए गए वोट के असास पर हुकूमत किए जा रही है, तो जो जमहूरियत पसंद है वो भी परेशान। अब इन सवालों का हमने हल कैसे तलाश करा? हुक्मरानी तो हमारे यहां है, इलेक्शन भी हो जाते हैं, लेकिन सब कुछ पीछे की तरफ क्यों जा रहा है, जिसको हम तरक्की माकूस कहते हैं, उल्टे पांव हम पड़ रहे हैं। मेरे दोस्तों, जब तक आप रिवायती सियासत से नहीं हटते, जब तक आप नजरियाती कुव्वतों को नहीं पहचानेंगे, जब तक मुल्क का निजाम उनके हाथ में नहीं आएगा कि जो इख्तदार को अपनी जाती दौलत कमाने का जरिया नहीं, कौम को मालामाल बनाने का सोचते हैं,
उस वक्त तक खुशहाली नहीं आ सकती। फिर आप आजादी की जंग भी नहीं लड़ सकते, क्योंकि आजादी के हवाले से नजरिए पर लोग मुत्तफिक नहीं है। जमीयत उलमाए इस्लाम की वाज़ेह है कि इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं, इबादत तो हर एक अपना, अखलाकियात हर शख्स का अपना मसला, लेकिन खुशहाल मईशत और अमन अमान ये दोनों ममलिकत की जरूरत है और दोनों कौमी जिंदगी की जरूरत है। जाहिर है कि इस्लाम अल्लाह का दिया हुआ दीन है, हम इसको ममलिकत का निजाम बनाए, माशी निजाम अल्लाह का दिया हुआ निजाम है। हम लोग समझते हैं कि हम इंसानों को रिज्क देते हैं, हम इंसानों को रिज्क नहीं देते। अल्लाह ताला फरमाते हैं अहुम यक्सिमून रहमत रब्बी नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया वरफअना बादहुम फौक बाद दरजात लियत्तखिद बादहुम बादन सुख्रिया। ये लोग समझते हैं कि हम अल्लाह की रहमत को तकसीम करते हैं। अल्लाह की रहमत तो बहुत बड़ी चीज है, ये जो आम मादी जिंदगी में मईशत की तकसीम है, रोजगार की तकसीम है, अल्लाह फरमाता है ये भी हमारा है, हमने आपको वसायल मुहैया किए, हमने आसमान से तुम पर पानी बरसाया, हमने तुम्हारी मट्टी को और तुम्हारी जमीन को इस काबिल बनाया कि वो अनाज उगाए, फल उगाए। तुम्हारा काम है मुनसिफाना तकसीम। अब इस मुनसिफाना तकसीम में कुछ लोग दौलत के मालिक होते हैं, मेहनत के मोहताज होते हैं, और कुछ लोग मेहनत के मालिक होते हैं, दौलत के मोहताज होते हैं। एक के पास दौलत है मेहनत की ताकत है, एक के पास मेहनत की ताकत है उसके पास पैसा नहीं है। आइए दोनों के दरमियान एक दूसरे को मुसख़्ख़र कर दिया तक तिजारत करें, कारोबार करें, मुनाफे की तकसीम करें आपस में, एक दूसरे के साथ इंसाफ करें, एक दूसरे का हक अदा करें। इसीलिए तो हम यूरोप से कहते हैं ना कि तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं, तुम्हारे पास वसायल की कमी है, हमारे पास वसायल की फरमान है, हमारे पहाड़ों में स्थिति में सब कुछ है, मादनियात भी है, जंगलात भी है, पानी भी है, ज़राअत भी है, लेकिन टेक्नोलॉजी, आओ तुम हमें टेक्नोलॉजी दो, हम तुम्हें वसायल दें और फिर मुनाफे को तकसीम करें, आप भी फायदा उठाएं, हम भी फायदा उठाएंगे। लेकिन आज आलमी कुव्वतें हमारे वसायल पर कब्जा करना चाहती हैं और वो समझती हैं कि हर चंद के पाकिस्तानियों को कहो कि तुम आजाद कौम हो, लेकिन इनके वसायल के मालिक मालिक, इनके मादनियात के मालिक हम होंगे, इनके जंगलात के मालिक हम होंगे, जमीन के नीचे तेल के मालिक वो होंगे, गैस के मालिक वो होंगे, कोयले के मालिक वो होंगे। इस तरह तो फिर नहीं चलती जिंदगी। इस नजरिए को लेकर हम उठे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आम आदमी ने इस मंशूर पर एतमाद किया है, इस नजरिए पर एतमाद किया है।
अल्लाह ने मौका अदा किया है कि हम आपके पास आए हैं और आप हजरात ने अपनी पार्टी वाबस्तगी से बालातर होकर हत्ता के मसल की वाबस्तगी से भी बालातर होकर हमें जो इज्जत बख्शी है हम उस पर आपके शुक्रगुजार हैं। इसीलिए हम जब अपने नजरिए की दावत देते हैं तो सब कश्मीरियों को दे रहे हैं। आपने हमें इज्जत दी, हमने आपको वो रास्ता दिखाया कि जिस रास्ते से हमारी मुस्तकबिल की तरक्की, मुस्तकबिल की आजादी, मुस्तकबिल की खुशहाली और मुस्तकबिल का इज्जत वकार वाबस्ता। इंशाल्लाह इसी रास्ते पे जाएंगे। और मैंने तो आपको तीन बातें कही, इस्लाम, मईशत और जमहूरियत। आज की इस नए दौर में, तब्दीलियों के दौर में, हमें अपनी तहजीब से भी महरूम किया जा रहा है। हमारे नौजवान को बेराहरवी दिखाई जा रही है और जिस इंडिया के खिलाफ हम कश्मीर की जंग लड़ रहे हैं उस कश्मीरी को कहा जाता है कि इंडिया की कल्चर को अपनाओ, वहां की तहजीब व अखलाक को अपनाने के लिए हमारा मीडिया इस्तेमाल हो रहा है और उसके हौसला अफजाई हमारे प्रणाम कर रहे हैं। तो हमें बड़े इंकलाबी अंदाज के साथ अब आगे बढ़ना है। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क के इदारे हमारे, हमसे कोई न लड़े, हम किसी से नहीं लड़ते। हाँ, ये जरूर नजरिया रखते हैं कि हर एक का अपने फराइज और अपने इख्तियारात का एक दायरा। अगर आप अपने घर में और अपनी जमीन में मेहनत करते हैं, काम करते हैं, कमरा नया बनाते हैं, कमरा गिराते हैं, तो आपका इख्तियार है, आपको कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन आपने अगर पड़ोसी की जमीन में मुदाखलत की, पड़ोसी के घर का कमरा गिरा दिया और उसे आप हजार कहें कि मैं आपके घर का कमरा नया बना के दे रहा हूं आपको, हर चंद के आप उसको कहें कि मैं आपको इससे अच्छा कमरा बनाकर दे रहा हूं, वो आपसे कहते हैं आप होते कौन है मेरे घर में दखल देने। अपने हवेली के अंदर तुम्हारे इख्तियार को तस्लीम नहीं करेगा, अपनी जमीन में आप हजार कहें कि बाबा अपने जमीन में हल चला रहा हूं, उसमें दाना डाल रहा हूं, आपकी जमीन में भी मैं हल चला रहा हूं, आपकी जमीन में दाना डाल रहा हूं, आप क्यों खफा हो रहे हैं। आपसे कहा आप होते कौन मेरी जमीन में घुसने वाले। इसी तरीके से हम मुल्क में तमाम इदारों से कहना चाहते हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो अदालत है, जो जो इदारा है अपने अपने दायरे के अंदर फराइज सर अंजाम दे, हमारे सलाम। झगड़ा उस वक्त पैदा होता है जब हम दूसरे के इदारे में जाकर मुदाखलत कर। मुझसे तो किसी सियासी जमात के हवाले से भी कहा जाता है, किस सियासी जमात में ये हो रहा है, ये हो रहा है, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, तो मैं उसके जवाब में भी कहता हूँ उनका दाखिल था, किसी दूसरी पार्टी के मानों में क्यों दाखिल। तब जाकर हम एक सही मानों में एक मजबूत मुस्तकबिल मुल्क बना सकते हैं। उसके लिए जायज निजाम होना चाहिए। अगर जमहूरियत है और हर शख्स का अपना वोट है, ये ना हो कि जिस बक्से में मैं वोट डाल रहा हूं वो बक्सा और जिस बक्से से वोट गिना जा रहा है वो बक्सा और। ये नहीं होना चाहिए, ये होगा तो हंगामा होगा।
इस बुनियाद पर हुक्मरान आएगा तो मैं लाख आप हजार उसकी हिफाजत करें, मैं उसको डब्ल्यू हुक्मरान। नारा तकबीर तेरी हजीयत को, कायदे जमीयत तेरी बसीरत को, कायदे जमीयत तेरी सियासत को। उसूल पर कोई सदा नहीं हो सकती। हाँ हम तदरीजी इस्लाहात के नजरिए पे काम कर रहे हैं, हम बुद्धू की सियासत में बात नहीं कर रहे, हम जबर की बुनियाद पर बात नहीं कर रहे। हमारा उसलूब दावत का है और हमारा उसूल जमहूरी उसूल है जो अभी आईन आई, ये आईन हमारे दरमियान मुआयन है। आपके कश्मीरी भी एक आईन है, पूरी कौम पाबंद है उसके, पाकिस्तान में भी एक आईन है, पूरी कौम पाबंद है उस पर अमल दरामद की, हमने उस आईन को तस्लीम किया। हाँ जहां हमें इख्तलाफ है और हम चाहते हैं कि तब्दील हो, उसके लिए भी पार्लियामेंट और फसाद इदारे को, लेकिन पार्लियामेंट पार्लियामेंट तो हो ना। अब अगर धांधलियों से आए हुए मेंबरान से भर दिया जाए, हम तो उसके कानून साजी को भी तस्लीम नहीं करते। तुम होते कौन हो कानून साजी करते, तुम होते कौन हो आईन में तरमीम करते हो। हम तो इनको ये भी हक नहीं देते कि वो पाकिस्तानी अवाम के फैसले बैन अवी मुआहदात के साथ करें। जितने भी बैन अवी मुआहदात हैं, हम वाज तौर पर कहते हैं कि अगर हमारी हुकूमत कराती है हम इन मुआहदात के पाबंद नहीं होंगे। ना अहल हुक्मरान, ना लायक हुक्मरान, पहले नाजायज थे, दो साल में ना अहल भी साबित हुए ना लायक। तो नाजायज तो औलाद हो, लोग उस औलाद को भी तस्लीम नहीं करते। तो नाजायज हुकूमत हो गए तस्लीम करते। तो इस एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे इस्तकामत के साथ और आला वजहिल बसीरत अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए इस मैदान में हैं। और आजादी के मानी मैंने बता दिए, एक अल्लाह की इताअत, एक अल्लाह की इबादत और उसी को खैर और शर का मालिक समझते हैं। कोई माई का लाल मत सोचे कि वो किसी खैर का मालिक है या किसी शर का मालिक है या किसी ताकत का मालिक है और ताकत से हमें मरूब कर देगा। हम ताकत से मरूब होने वाले नहीं, हम अल्लाह के दीन के सहारे दूसरों पर रोक डालने वाले। नारा तकबीर, कायदे जमीयत तेरी अजीमत को, कायदे जमीयत तेरी सियासत को, कश्मीरियों के हकीकी तर्जमान, कायदे कश्मीर मौलाना सईद यूसुफ खान, कायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान। हमारे मुजाहिद भाई पीर मदर शाह साहब जिन्होंने हमारी मेजबानी की है, उनके रफका ने हमारी मेजबानी की है, आज आपका ये बड़ा इज्तिमा बड़ा हुजूम यहाँ पर मौजूद, जाहिर है इस खित्ते की आप नुमाइंदे हैं, आपने हमारी मेजबानी की है, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। और जैसे मौलाना सैयद यूसुफ खान साहब आज कह रहे थे कि हम तो आने वाले इलेक्शन में भी पीर मदर शाह को कौम का नुमाइंदा देखना चाहते हैं। इंशाअल्लाह अजीज इस महाज पर हमने अपने नजरिया अपने उसूल और कौम के साथ एक मजबूत कमिटमेंट के साथ मैदान में आना है और आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आपकी आज की ये इज्जत जो आपने हमें दी है ये सिर्फ आज के लिए नहीं होगी,
आने वाले मुस्तकबिल में भी आपकी इन रिवायात को तसलसल मिलेगा, इस रवैये को तसलसल मिलेगा, और अल्लाह ताला अपनी रजा के लिए हम सबको कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कोशिश करें रस्सी से पीछे पीछे हो जाए, आगे कोई ना।